Hello, students, how are you all? So, I welcome you tonight in this session where we are going to start the whole manufacturing engineering in a very lucid manner that to within 50 hours for GATE 2023. So, by the way, myself, Rajiv Singh, I am a plus educator on an academy platform. एंड आई एम शेपिंग द यंग माइंड लाइक यू फॉर ऑलमोस्ट पास्ट अलेवन ईयर्स दोस्तों कैसे हम इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है यस टाइम इज लेस आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को अच्छे से एक बार बताओ थम से कि हां सर आवाज अच्छे से आ रही है ऑल ऑफ यू लेट मी नो थोड़ी स्लो आ रही है आवाज राइट ओके आई होप सही से आ रही होगी आवाज यार क्योंकि यहां तो सब कुछ सही दिख रहा है चलो क्लियर ना ग्रेट So, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग के सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं कहां पे सर टेलीग्राम का एक ग्रुप है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्मॉल एम स्मॉल ई सारा कुछ स्मॉल लेटर एम ई सी एच ए आर एम वाई मेकार ओके यू कैन सर्च दिस टेलीग्राम ग्रुप इन टेलीग्राम और वहाँ पे जब आप पिंड मैसेजेज में जाएंगे तो आपको अभी फिलहाल मैं फिर से फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है पहला काम ये कर लिया नोट्स मिल गए, मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं मेटल कास्टिंग वेल्डिंग मेटल कटिंग मशीन टूल्स मेटल फॉर्मिंग शीट मेटल ऑपरेशन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स पाउडर मेटलर्जी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम सी ये सारा का सारा नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप कार्मी में डाल दिया है आप सब लोगों के लिए आप लोग को वहां जाना है ड्राइव गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा हो सकता है कुछ लोग मोबाइल फोन रखे होंगे और उनके पास गूगल ड्राइव नाम का ऐप नहीं होगा तो आप लोग गूगल ड्राइव का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा फोन में और फिर आसानी से आप उन नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे व्हाइट बैकग्राउंड में भी है बैक ब्लैक बैकग्राउंड में भी है ठीक है देन उसी तरीके से मैं आप सब लोगों के लिए करने क्या वाला हूँ कि सारा क्वेश्चन जो आपको करना है सॉल्व वो भी वहीं उसी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा दोस्तों ठीक है कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है तो आप लोग आसानी से टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लीजिएगा स्मॉल एम ई सी एच ए आर एम वाई ये टाइप करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ही फोटो दिखेगी उस ग्रुप में लगी हुई वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है एम ई सी एच ए आर एम वाई वी आर स्टार्टिंग टूडे मेटल कास्टिंग माई डियर स्टूडेंट्स मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा है एक सेटअप जो कि मेटल कास्टिंग का ही सेटअप है पूरे मैन्युफैक्चरिंग से मिनिमम फिफ्टीन मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है और इस इन सेशंस के थ्रू नमस्ते भाई इन सेशंस के थ्रू आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि अगर आप डिसिप्लिन रहे तो यस जो आप मेरे साथ सीखोगे पढ़ोगे बिलीव मी वो होने वाला है अनमैचेबल और जो मैं यूआई क्यूज देता हूं अपकमिंग ईयर क्वेश्चन उन अपकमिंग ईयर क्वेश्चन को अगर डिसिप्लिन मैनर में जैसा जैसा मैं कहूं वैसे वैसे अगर सॉल्व करते चले जाओगे सेंट परसेंट मैन्यूफेक्चरिंग में स्कोर करके आओगे इसमें कहीं से कोई शक ही नहीं है तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मेटल कैस्टिंग स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो this is what and this is how we do metal casting actually hmm aapke paas hota hai actually just a minute Yes, setup एक सबसे पहले आप क्या करते हो यहां जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो शुरुआती दौर में ये जो यहाँ पे एक बोर्ड जैसा रखा हुआ दिख रहा था शुरुआती दौर में उसको हम लोग बॉटम बोर्ड बोलते हैं उस बॉटम बोर्ड के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो ये चीजें आपको रखी हुई दिख रही हैं दिस इज वाट वी कॉलेज पैटर्न ये पैटर्न किसी मेटल का बना हो सकता है ये पैटर्न वुड का बना हो सकता है और भी दूसरे मेटल्स का बना हो सकता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली पैटर्न के बारे में देखिए अभी हो क्या होगा क्या इन पैटर्न्स को इन जगहों पे सुटेबल प्लेस पे डालने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसके ऊपर डाला जाता है एक मोल्डिंग फ्लास्क इसके ऊपर दोस्तों डालते हैं क्या हम एक मोल्डिंग फ्लास्क बॉटम बोर्ड है बॉटम बोर्ड के ऊपर क्या डाला हमने पैटर्न डाला पैटर्न डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालते हैं मोल्डिंग फ्लास्क देखो दो फ्लास्क अलग अलग है ना इन दोनों मोल्डिंग फ्लास्क को हमने यहां डाला एंड देन इसके ऊपर हमने ये सैंड मोल्ड कहते हैं दैट सैंड मोल्ड मिक्सचर हमने इसके ऊपर गिराया राइट व्हाट इज दैट सैंड मोल्ड मिक्सचर सर जो इसके ऊपर आ रहा है नीचे की तरफ माय डियर स्टूडेंट्स उस सैंड मोल्ड मिक्सचर में एक्चुअली सैंड होता है क्ले होता है और वाटर होता है सर क्ले क्या होता है गांव में नदियों के किनारे जब आप जाओगे तो आपको कुछ चिपचिपा सा मिट्टी नजर आएगा वो क्ले क्ले रिच होता है Clay एक तरह का मिनरल है अगर उसमें आप पानी मिलाओ हाँ गणेश कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं होगी इसको करो ना पहले तुम तो वो चिपचिपा हो जाता है क्ले में जब पानी मिलाओ तो चिपचिपा हो जाता है तो इसके ऊपर फिलहाल जो अभी एक मिक्सचर गिराया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ये फ्लास्क डाला इधर वो भी फ्लास्क एक डाला उधर देख ही रहे फ्लास्क ये जो मिक्सचर गिराया जा रहा है दिस मिक्सचर माई डियर स्टूडेंट इज वाट वी कॉलेज ग्रेन प्लस क्ले प्लस वाटर का मिक्सचर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्रीन सैंड ठीक है यहां सैंड होता है क्ले होता है वाटर होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन सैंड सर ग्रीन तो दिख नहीं रहा है ये आप ग्रीन सैंड बोल रहे हो ग्रीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें होता है मॉइस्चर राइट right? इसमें होता है वॉटर सैंड डाला क्ले डाला वाटर डाला क्ले क्या है वो चिपचिपा हो जाता है पानी डालने के बाद मिट्टी के जैसा होता है उसको मिक्स कर दिया और इस तरीके से छलनी से सीव से फिल्टर करके इसके ऊपर तो हमने गिराया गिराने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं अब इसकी रैमिंग, करते हैं। देखो, ये हो रहा है, रैमिंग। गिरेगा सैंड अभी एंड देन माई डियर स्टूडेंट देखो रैमिंग कर दिया रैमिंग करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं पैटर्न को बाहर खींच लेते हैं पैटर्न को जब बाहर खींचोगे तो जिस तरह का पैटर्न दिख रहा था मेरे प्यारे दोस्तों एग्जैक्टली exactly उसी तरह की आपको क्या इधर दिखने वाली है कैविटी जिस तरह का पैटर्न दिख रहा था देख हो रैमिंग किया रैमिंग के बाद जब हमने निकाला इसको बाहर तो पैटर्न जिस तरह का दिख रहा था एग्जैक्टली exactly उस तरीके का आपको यहां पे दिखने वाला है क्या कैविटी दिखाना देखो पैटर्न जिस शेप का था एग्जैक्टली exactly वैसा एक कैविटी बनेगा और सिंपल सी बात है बन ही जाएगा ना अब इस पैटर्न को निकाल के हम बाहर रख देते हैं एंड यू ऑब्जर्व हियर ये जो दो अलग अलग फ्लास्क हैं जिसमें कि इस तरीके से कैविटी बन चुका है सैंड मोल्ड के अंदर उन दोनों फ्लास्क को आपस में फिर हम मिला देते हैं समथिंग लाइक दिस ऑब्जर्व ऑब्जर्व माय डियर ब्यूटीफुली देखो दोनों को हमने मिलाया क्लैंप कर दिया एंड मोल्टेन मेटल हमने डाला जब आप यहाँ पे मोल्टे मेटल डालते हो अंदर जा करके उस कैविटी में मोल्टेन मेटल सोलडिफाई हो जाता है देन आप मोल्ड हाफ्स को फिर से सेपरेट करते हो चारों तरफ के सैंड मोल्ड को तोड़ देते हो और तोड़ने के बाद अंदर आपको मिलता है ये सोल्डिफाइड कास्टिंग हाँ इस सोलडिफाइड कास्टिंग में, में मेरे प्यारे दोस्तों कास्टिंग तो यही बीच वाला चाहिए था एक्चुअली आपको शायद ये बीच में आपको डंबल सा दिख रहा है ना बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह बनाने की शायद आपको ऐसा दिल करे कि नहीं सर आप बाइसेप्स ही बनाएंगे कास्टिंग करके कोई इशू नहीं है ये टाइप का एक बीच में दिख रहा है लेकिन साइड साइड में ये हम कट करके हटा देंगे वो वेस्टेज है साफ सफाई करने की जरूरत पड़े मशीनिंग करने की जरूरत पड़े तो हम लोग करेंगे रैमिंग का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है इसका मतलब होता है रैमिंग का मतलब ऐसा ऐसा पकड़ के कूटना ठीक है जैसे कि ईश्वर अधिकारी पकड़ के इसी में डाल के ऐसे कूटा जाएगा तो उसको कहेंगे इसकी रैमिंग की जा रही की है किसकी रैमिंग की जा रही है ईश्वर अधिकारी की रैमिंग की जा रही है ईश्वर अधिकारी ऑन गेट एम पी आई एक्स चैनल दूसरे बच्चे सोच रहे होंगे दूसरे चैनल पर सर इधर तो है ही नहीं कोई कहां से एक कमेंट आ रहा है अभी सुनो थैंक यू गैलेक्टिक ऑन द चैनल नेम्ड लेट्स क्रैक गेट यू सी मैकेनिकल यस बिलीव मी दिस प्रोडक्शन कोर्स ऑन यू इज गोइंग टू बी अनमैचेबल कुछ ही समय में आपको ये पता वैसे चल ही जाएगा इट्स गोइंग टू अनमैचेबल हाँ मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ लेता हूँ कि कहाँ किसको क्या डाउट आ रहा है ईश्वर अधिकारी को समझ में आ गया कि हाँ रैमिंग मतलब जिंदगी भर नहीं भूलेगा कह तो सर रैमिंग मतलब क्या होता है पकड़ के कूट दिया उसको तो सैंड चारों तरफ सेट हो गया था पैटर्न उसी को कहते हैं रैम करना रैमिंग हाँ मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं क्या बता रहा हूं अब इसको कटवट करके हटा दिया फिनिशिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी तो करना नहीं करने की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है बन गया हमारा कास्टिंग ठीक चलिए तो तो ये ऐसे तो एक ओवरव्यू था आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली चीजें होती कैसी हैं थोड़े से विजुअलाइजेशन के लिए लेकिन ये सब ऐसा है केवल एनिमेशन देखोगे तो, तो थोड़े ना क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए और एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए हमें क्या करना होगा तो सर जी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ अब एक मिनट वो जगह जहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा एक मिनट जस्ट अ मिनट दोस्तों यहीं पे तो था पता नहीं चला कहाँ गया ये आ आ गया आ गया चलो देखो दोस्तों यही नोट्स की मैं बात कर रहा हूं जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये वाला ही नोट्स आपके सामने आएगा राइट ये वैसे मैंने यहां मेढ़क दिखाया है सर यह मेढक क्यों दिखा रहे इसका क्या काम है सर एक्चुअली अगर आप कास्टिंग के हिस्ट्री की बात करो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने सुना होगा इतिहास में एक था पूर्व पाषाण काल फिर आया पाषाण काल पूर्व पाषाण काल पाषाण काल मतलब ये जो इस स्टोन एज था ये जैसे ही खत्म हुआ बिलीव मी लोगों ने मेटल कास्टिंग की शुरुआत कर दी एक जमाना था जब वो लोग सारे स्टोन वगैरह के ही टूल्स बनाया करते थे और बंदर की तरह यू यू चला करते थे फिर जब वो स्टोन एज बीता आप जब धातु युग में आपने प्रवेश किया कॉपर एज ब्रोंज एज तो लोगों ने देखा अरे वो एक वोल्केनो फटा ज्वालामुखी फटा और उस ज्वालामुखी से मोल्टिन लावा निकला और ये सब दूर से देख रहे थे पता नहीं कौन से लैंग्वेज में टाइम पे बात करते रहोगे आवरा का डाबरा छाबरा ऐसा कुछ और फिर उन्होंने पाया कि ये जो मोल्टिन लावा किसी कैविटी में किसी गड्ढे में गया वहां जम गया पहले वो बनाते थे कुल्हा स्टोन का तोड़ के काट के उन्हें लगा कि यार इस जगह पे ये कुल्हाड़ी जैसा जमा हुआ है उन्होंने निकाला हुला ला 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 ये क्या है समझ गए वो कि अगर हम मेटल को मेल्ट करें और उसको एक सर्टन कैविटी में डालें तो जैसा कैविटी का शेप होगा सोलडिफाई होकर के मेटल वैसा बन जाएगा उन्होंने कहा यह हुई न बात दे स्टार्टेड मेटल कास्टिंग एंड वी द प्रूफ यू नो इन मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा हिंदू घाटी की सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की खुदाई के समय यह मेढक कॉपर का कास्ट किया हुआ मिला है बत्तीस सौ में कास्ट किया गया था उस टाइम पे मेढक को घर में रखना शुभ माना जाता था माय डियर स्टूडेंट्स लवली डियर स्टूडेंट्स ऐसा ही नहीं ये जो आप डांसिंग वुमेन का एक फोटो देख रहे हो हिंदू घाटी सभ्यता सॉरी मोहन जोदारो जो, जो मूवी देखी होगी ऋतिक वाली मोहन जोदारो की सभ्यता की जब उधर खुदाई हुई तो अबाउट थ्री थाउजेंड बीसी का कास्ट किया हुआ ये मिला देखो कितना बढ़िया कास्टिंग है कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यस कास्टिंग इज द ओल्डेस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उससे पहले कोई इंजीनियरिंग नहीं द फर्स्ट इंजीनियरिंग वाज कास्टिंग, उसके पहले कोई इंजीनियरिंग नहीं द फर्स्ट इंजीनियरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज मेटल कास्टिंग एंड यू आर लकी दैट यू स्टार्टेड टू लर्न द सब्जेक्ट प्रोडक्शन विद दिस चैप्टर सो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग मेटल कास्टिंग के दौरान बेसिकली करते क्या है अभी जो आपने वीडियो वहां पे देखा वहां पे क्या थी कहानी कि आपने एक कैविटी क्रिएट किया था पैटर्न की मदद से सैंड मोल्ड की रैमिंग करके और आप उस कैविटी में कहीं ना कहीं से मोल्टेन मेटल को पहुंचा रहे थे ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है मैं अगर आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपको और अच्छे से भली भांति ये समझ में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों साथियों भाई और बहनों ये देखो लेटस से दिस इज वेयर आप बना रहे हो अपना एक मोल्ड सैंड मोल्ड जिसमें हम कास्टिंग करने वाले हैं तो यहां पे तो सबसे पहले हमने कैविटी बनाया था सर कैविटी कैसे बनाया था कैविटी आपने कुछ यहां पे इस तरह का बनाया था वो लोग डंबल बना रहे थे चलो हम लोग कुछ और बना लेंगे ऐसी क्या बात है कि अगर जो वो लोग बना रहे थे वही हमें बनाना है ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है यस yes? चलो मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करता हूं थोड़ा कम टाइम लगेगा लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो तो कृपया मुझे माफ़ करना उसके लिए इस तरह का कुछ सेटअप रहता है यहां पे मैं आपको वो सेटअप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है कुछ इस तरह का ये कैविटी है यहां पे मोल्टेन मेटल पहुंचाना है तो यहां पे मोल्टेन मेटल को पहुंचाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इस पूरे सैंड मोल्ड में चारों तरफ यहाँ पे पता है क्या है? ये सैंड मोल्ड है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पे? पैटर्न का यूज करके ये कैविटी बना लेते हैं एक पाइप घुसाते हैं उस पाइप को बाहर निकाल लेते हैं तो एक वर्टिकल चैनल बन जाता है इस वर्टिकल चैनल का जो नाम है वो आप देखते हो कि दिस इज देन यहां पे यहां से वहां तक जो एक चैनल दिख रहा है उस होरिजोन चैनल को हम लोग कहते हैं रनर और ये रहा मोल्ड कैविटी जहां मेटल आके सोलडिफाई होगा और आपको मिलने वाला है कास्टिंग बीच बीच में आपने कुछ यहां पे फिलहाल और भी एक्स्ट्रा कैविटी देखे हैं मैं इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं घबराने की जरूरत नहीं है बिलीव मी अगला बीस पच्चीस मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एकदम से ध्यान लगा के सुनना तभी समझ पाओगे और एक बार समझ गए तो बिलीव मी पंद्रह डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर बस यहीं से दे सकते हो यहां से पंद्रह अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं देखो दोस्तों यहां पे होता क्या है सबसे पहले ये जो वर्टिकल चैनल यहां दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्प्रू इस वर्टिकल चैनल के सराउंडिंग में इस तरफ इस तरफ क्या है ये सारा मोल्ड मटेरियल है अच्छा एक बात बताओ लिक्विड मेटल को सीधा गिराओगे इस वर्टिकल चैनल में और लिक्विड मेटल अगर मेरे प्यारे दोस्तों यहां आके अगर टकराने लगा मान लो गिरा ऊपर से और यहां आके मान लो टकराने लगा इस पे इस पे डायरेक्ट इस पे तो इस तरफ सैंड मोल्ड मटेरियल है आप जैसे मिट्टी पे गिराते हो पानी बाल्टी से तो मिट्टी टूट जाता है ना इरोड हो जाता है ना उसी तरीके से ऊपर से अगर मोल्टेन मेटल को गिराओगे तो यहां से ये सारी चीजें इरोड हो सकती हैं इरोजन हो सकता है और इस सैंड इरोजन की वजह से सैंड टूट के इस मेटल में मिल सकता है और आगे बढ़ के कास्टिंग के कैविटी में पहुंच सकता है और वहां जाने के बाद वो उसी के साथ अगर सोलडीफाई हो गया तो मेटल कास्टिंग में आ जाएगा क्या शन वो हो जाएगा डिफेक्टिव और मेटल को अगर ऊपर से नीचे अगर इसमें गिराया उसका फ्लो जो था जो नेचर था वो हाईली टर्बुलेंट था इसी वजह से से सैंडमोल्ड चारों तरफ से टूटा होगा ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा ना हो इसके लिए यहां, यहां सैंड इस में वर्टिकल चैनल में जो मेटल गिराया जा रहा है वो डायरेक्टली यहां ना गिरा करके इस वर्टिकल चैनल में डायरेक्टली ना गिरा करके हम लोग क्या करते हैं यहां पे इस तरीके का एक फनल के शेप्ड का ऐसा फनल टाइप का एक एक्स्ट्रा कैविटी क्रिएट करते हैं पहले मोल्टेन मेटल को यहां पे गिराया जाता है दिस दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोरिंग बेसिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोरिंग बेसिन होता क्या है जब आप यहां इस पोरिंग बेसिन में मेटल को गिराते हो जो कि मैंने यहां भी रफली स्केच किया है आप लोगों के लिए अब इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं यहां पर जब आप मोल्टेन मेटल को ऊपर से गिराएंगे राइट right? तो मोल्टेन मेटल यहां आके भरेगा कुछ यू यस ये रहा लिक्विड मेटल यहां अब देखो सबसे पहले तो मेटल यहां गिरेगा और गिरने के बाद इसे राइज करते हुए जाएगा और फिर आके एंटर करेगा इस वर्टिकल चैनल में इसको कहते हैं स्प्रू जब ऐसा होगा तो ऐसा होने के दौरान कि मेटल यहां से ऐसे गया नीचे और फिर ऊपर उठ के आया और फिर नीचे जा रहा है तो इस मेटल की जो टर्बुलेंसी थी वो काफी कम हो जाएगी और इसमें काफी प्यार से एंटर करेगा और चारों तरफ जो सैंड मोल्ड है उसको इरोड नहीं होने देगा ये तो एक बात है <coughs> दूसरी बात क्या है कि <coughs> यहां पे जो ये पोरिंग बेसिन मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है यहां पे ये जो पोरिंग बेसिन मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है ये यहां पर एक काम और करता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट ये यहां पर यह यहां पर फिल्टरेशन का भी काम करता है सर फिल्टरेशन का काम कैसे करता है देखो जब आप मोल्टन मेटल को इसमें गिराते हो पोरिंग बेसिन में तो हो सकता है जो मोल्टन मेटल आपने बाहर से लेके आए हैं उसमें कुछ काफी इंप्योरिटीज हो सॉलिड इंप्योरिटीज हेवी तो मोल्टे मेटल को जब आप यहां पे पहले डालोगे तो ये तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल ऐसा फिल हो जाएगा लेकिन उस मोल्टे मेटल में कुछ जो इम्प्यूरिटीज हैं थोड़े बहुत तो मोल्टेड मेटल यहाँ पे ऐसे आ करके ऐसे भर गया राइट right, और फिर पहले नीचे जा रहा है और ऐसे उठ रहा है फिर यहां एंटर कर रहा है मीन जो कुछ इंप्यूरिटीज होंगे वो इम्प्यूरिटीज दोस्तों यहाँ पे आके नीचे में ऐसे सेटल हो जाएंगे ऐसे सेटल हो जाएंगे मतलब लिक्विड मेटल जो डाला जाता है उसका फर्स्ट स्टेज फिल्टरेशन पोरिंग बेसिन में ही हो जाता है तो पोरिंग बेसिन के मेरे प्यारे दोस्तों टोटल कितने काम हुए पोरिंग बेसिन के दो काम हुए पोरिंग बेसिन का पहला काम क्या हुआ कि उसने लिक्विड मेटल के टर्बुलेंसी को खत्म किया उसने लिक्विड मेटल के टर्बुलेंसी को खत्म किया दूसरा काम क्या हुआ उसने मेरे प्यारे दोस्तों पहले स्टेज का फिल्टरेशन कर दिया कैसे कर दिया वहां पे जो हेवी इंप्यूरिटीज थे वो नीचे में आकर के सेट हो गए आशु ओबे लेट्स क्रैक गेट वाले चैनल पे कह रहा है कि सर एनिमेशन में तो डायरेक्ट गिराया था तो वो एनिमेशन था ना ये रियल है एनिमेशन में डायरेक्ट गिराने के लिए उसको दस दिन और लगाना पड़ता है एनिमेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है तो मैंने उसको बोल दिया चाइना वाले को कि अबे अब तू एनिमेशन में इसी डायरेक्ट बना मैं बच्चों को समझा लूंगा समझ में आया बे एनिमेशन में डायरेक्ट गिराया था देखे तो क्लास सेशन स्टार्ट होते ही फोर्टी सेवन निकला था निकालू दोबारा ध्यान से सुनो आगे बढ़ो अब जब लिक्विड मेटल आगे बढ़ता है तुम आगे बढ़ेगा तो लिक्विड मेटल भी आगे बढ़ेगा चलो फटाफट आगे बढ़ो लिक्विड मेटल यहां भरते हुए नीचे आ रहा है लेकिन सर जी यहां जो मेटल अब यहां आया यहां जो मेटल यहां इंटर किया सर क्या वो प्योर एकदम से मेटल होगा क्या उसमें कोई इंप्यूरिटी नहीं होगी अरे उसमें भी इंप्यूरिटीज हो सकती हैं सर अब फिल्टर कैसे करेंगे हम सर हम फिल्टर कैसे करेंगे हम उसको फिल्टर करने के लिए अगेन ये जो वर्टिकल चैनल है जिसको आप कहते हो स्प्र्यू उस वर्टिकल चैनल में एक फिल्टर डाला जाता है सर कैसा फिल्टर वो चाय वाय जब पीते हो वहां ऐसा करके तू वहां जो फिल्टर यूज करते वो वाला फिल्टर क्या अरे बाबा वो वाला फिल्टर तुम यूज करेगा तो ये लिक्विड मेटल है उसको मेल्ट करवा देगा तो सर कौन सा फिल्टर होता है सिरामिक का बना हुआ फिल्टर होता है सर सिरािक हाँ सिरा कुछ ऐसे मेटेल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग प्वाइंट काफी ज्यादा होता है इस लिक्विड मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से वो हिलेगा भी नहीं मेल्ट होने की तो बात और है और सर वो फिल्टर कैसा दिखता है वो फिल्टर दिखता है आपको कैरम बोर्ड के क्वाइन के जैसा देखते हो ना कैरम बोर्ड में ऐसा स्ट्राइकर रहता है वो काला वाला लाल वाला हा ऐसा स्ट्राइकर रहता है उसी के टाइप का डिस्क टाइप का दिखता है और मेरे प्यारे दोस्तों वो डिस्क टाइप का जो कैरम बोर्ड में आप देखते हो ऐसा ऐसा देख लो उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं क्या होते हैं ऐसा डिस्क टाइप का वो दिखेगा और उसमें छोटे 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 बहुत सारे होल्स होंगे उसमें छोटे 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 बहुत सारे होल्स होंगे ठीक अब लिक्विड मेटल जो है यहां पे ऐसे ऊपर से नीचे आएगा अगर लिक्विड मेटल में कोई भी इंप्यूरिटी है तो वो इंप्यूरिटी को ये ऊपर में यहां पे फिल्टर कर लेगा और फिर लिक्विड मेटल नीचे की तरफ आएगा यहां लिक्विड मेटल नीचे की तरफ आएगा यहां ऐसे सर छोटे बड़े इतु इतु से भी इम्प्यूरिटी यहां फिल्टर हो जाएंगे क्या ये जो सिरामिक फिल्टर आपने लगाया है सर सिरामिक फिल्टर आपने कहां पे लगाया है सिरामिक फिल्टर सर हमने यहां पे लगाया है ये रहा इसी सिरामिक फिल्टर को हम लोग कहते हैं Commons, तो सर इतु 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 क्या इतु इतू सा जो फिल्टर कर रहे हैं सा फिल्टर कर लोगे क्या छोटू नमक के टाइप का नहीं नमक के टाइप के इंप्यूरिटी को अगर यहां पे फिल्टर करना है मतलब बहुत छोटे साइज का तो उसको फिल्टर करने के लिए ये जो सिरामिक फिल्टर है जो स्ट्रेनर है उसके होल्स कैसे चाहिए होंगे अरे बाबा उसके होल्स कैसे चाहिए होंगे बहुत छोटे छोटे होल्स चाहिए होंगे बहुत छोटे छोटे होल्स चाहिए होंगे तो अगर यहां पे उस स्ट्रेनर में होल्स अगर बहुत छोटे छोटे होंगे तो जानते हो तकलीफ क्या हो जाएगी तकलीफ ही तकलीफ हो जाएगी तकलीफ ही तकलीफ हो जाएगी देखो यहां पे अगर ये जो स्ट्रेनर है इसके होल्स अगर छोटे छोटे हैं तो जो बड़े इंप्यूरिटीज होंगे जो बड़े इंप्यूरिटीज होंगे पहली बात वो बाईपास नहीं करेंगे जो बड़े इंप्यूरिटीज होंगे वो ऊपर ही अटक जाएंगे ठीक तो अब वो ऊपर अटक के जमा होने लगेंगे अब देखो अब देखो अब देखो कौन सा इंप्यूरिटी को ये फिल्टर करेगा बड़े साइज का जो इंप्यूरिटी है बड़े साइज का जो इंप्यूरिटी है ये तो ऊपर अटक गया ये तो ऊपर अटक गया ये तो ऊपर अटक गया और होल्स काफी छोटे छोटे हैं होल्स काफी छोटे छोटे हैं छोटे छोटे इंप्यूरिटीज जो है वो भी थोड़े थोड़े जमा होने लगे और अगर होल का साइज बहुत छोटा है तो पता ये चलेगा कि गाद देखा है आपने गाद मड और पानी जो है एकदम से ऐसा गाद वो गाद के टाइप का यहां जमा होने लगेगा यस अगर छोटे छोटे इंप्रिटीज फिल्टर करने हैं तो बड़े इंप्रिटीज तो फिल्टर हो ही जाएंगे जो छोटे छोटे हैं वो आकर के यहां पे गंदगी के जैसे जमा होने लगेंगे जब गंदगी के जैसे जमा होने लगेंगे तो यहां पे क्या होगा लिक्विड मेटल क्या ऊपर से अब नीचे आ पाएगा नहीं वो गिरेगा टिप 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 ऐसे गिरेगा डायरेक्ट फ्लो नहीं हो पाएगा और अगर वो डायरेक्ट फ्लो नहीं हो पाता है टिप 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 धीरे धीरे यहां पे गिरता है तो तुमको भैया मेटल को यहां तक पहुंचाना है वो कभी पहुंचेगा यहां तक नहीं पहुंचेगा इसके लिए यहां जो सिरामिक फिल्टर डाला जाता है डाला डाल जाता है, उसके जो होल्स होते हैं, उसमें जो होल्स होल्स होते होते हैं, हैं, उसमें बने वो बड़े बड़े, बड़े तो रिलेटिवली फिल्टर नहीं कर पाएंगे छोटे साइज वाले इंप्यूरिटीज बाईपास करके नीचे आएंगे लिक्विड मेटल के साथ तो सर अब उसका क्या करेंगे उसको भी पकड़ेंगे उसको भी पकड़ेंगे घबराना मत घबराना मत अब मेटल जो है अब मेटल जो है क्या हुआ दोस्तों ऊपर से चलते चलते यहां नीचे आया यहां। यहां नीचे आया अच्छा नीचे में क्या है सर ये भी तो सैंड मोल्ड है और जब लिक्विड मेटल ऊपर से चलकर इतनी दूर तक नीचे आएगा वो हाई वेलोसिटी गेन करेगा अगर पूरी हाइट ऊपर की अगर एच टी मान लो तो नीचे आते आते तक उसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच टी हो जाएगी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा उस वेलोसिटी से नीचे आकर जब वो सैंड मोल्ड से टकराएगा तो अगेन वहां से सैंड मोल्ड का इरोजन करेगा वो मेटल में मिलेगा कास्टिंग को खराब बना देगा ऐसा नहीं होना चाहिए इसकी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों जहां पे ये जो वर्टिकल चैनल है उसका बॉटम होता है उसके नीचे सिरामिक का बना हुआ सिरेमिक का बना हुआ ऐसा एक कप लगा देते हैं वहां एडजस्ट करवा के पहले से रखते हैं गिरेगा भी लिक्विड तो इस कप में गिरेगा सैंडमोल्ड को कैसा इरोजन करेगा नहीं करेगा समझ में आ रही बात हाँ तो दिस इज वॉट जो यहां पे एक आप सिरेमिक का ही बना हुआ एक कप शेप का कुछ एलिमेंट लगाते हो उसको बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों स्प्लैश कोर उसको क्या बोला जाता है स्प्लैश कोर अब देखो लिक्विड मेटल यहां से आगे की तरफ बढ़ता है तो आप देख रहे होंगे कि ये जो फिलहाल यहां पे ये जो होरिजोनटल चैनल बना हुआ है उस होरिजोनल चैनल में यहां से वहां तक जो होरिजोटल चैनल बना हुआ है उसमें बीच में ये हमने कुछ स्पेसिफिक एक कैविटी क्रिएट कर दिया है ये क्या है सर व्हाट इज दिस स्फेरिकल टाइप का कैविटी बीच में हाँ इसको बोलते हैं स्किम बॉब क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्किम बॉब सर ये स्किम बॉब क्या होता है भाई साहब ये एक कैविटी है। हमने हैंड कटिंग करके बनाया है अब जब लिक्विड यहां से पास कर रहा होगा आगे की तरफ जा रहा होगा तो मैंने क्या बोला लिक्विड मेटल में अभी भी इंप्यूरिटीज बचे हुए हैं यस लिक्विड मेटल में अभी भी इंप्यूरिटीज बचे हुए हैं अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों इम्प्यूरिटीज अभी भी बचे हुए हैं उसमें से कुछ इम्प्यूरिटीज हैवी हैं और कुछ इम्प्यूरिटीज लाइट हैं देयर आर सम इम्प्यूरिटीज व्हिच आर हैवियर देयर आर सम इम्प्यूरिटीज व्हिच आर लाइटर सर हैवियर देन व्हाट कुछ इम्प्यूरिटीज ऐसे हैं जो लिक्विड मेटल से हल्के हैं और कुछ इम्प्यूरिटी यहां पे ऐसे हैं जो लिक्विड मेटल से भारी हैं जो, जो लिक्विड मेटल से भारी होगा इम्प्यूरिटी वो यहां पे नीचे में आकर के सेट कर जाएगा भाई निचले हाफ में यहां पे नीचे आके यहां पे सेट कर जाएगा और जो हल्का वाला इंप्यूरिटी है वो तैर के ऊपर चला जाएगा इट विल फ्लोट अप एंड विल बी इंट्रैप्ड इनटू द अपर हाफ ऑफ दिस स्फेरिकल कैविटी कॉल्ड एज डियर स्किम बॉब समझ में आई बात सर तो आगे जो अब यहां लिक्विड मेटल निकला यहां से आगे जो लिक्विड मेटल निकला क्या यह लिक्विड मेटल अब प्योर है? नहीं नहीं, अभी भी यहां पे जो हो सकते हैं तो सर उसको कैसे फिल्टर करेंगे अब तो सर ऐसा लग रहा है कि लिक्विड मेटल यहां कास्टिंग कैविटी में घुसने वाला है हां करेंगे ना फिल्टर इसको फिल्टर करवाने के लिए इससे पहले कि ये कैविटी के अंदर घुसे यहां से जहां से वो कैविटी के अंदर घुसता है उसको बोला जाता है गेट जहां से कैविटी के अंदर घुसता है उसको कहा जाता है गेट ये अभी सीधे सीधे घुसने वाला है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहां पे इंप्यूरिटीज बाकी हैं तो हम इस लिक्विड मेटल को अब इस कैविटी में सीधे सीधे नहीं घुसने देंगे था। था। सर उसके लिए क्या करोगे मैं बताता हूं मैं बताता हूं क्या करने वाले हैं देखो सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से दुनिया वालों यहां से मेटल अब इंटर करने वाला है हम इसको सीधे सीधे यहां से इंटर नहीं कर देंगे सर आप क्या करोगे यहां पे एक घुमावदार चैनल बना देंगे सर्कुलर कै, कैसा दिखेगा वो सर्कुलर चैनल ऐसा दिखेगा देखो आपने देखा होगा ऐसे करके एक चैनल बना के दिखाता हूं इधर से अगर सॉरी इधर से अगर ये इंटर करने वाला है दोस्तों यहां से तो लिक्विड मेटल को पहले यहां घुसाया जाएगा ठीक है वहां पर ऐसी कैविटी एक बना दी जाएगी सैंड मोल्ड में कि लिक्विड मेटल यहां से घुसा तो लिक्विड मेटल जब यहां से घुसेगा दोस्तों तो इधर ऐसा गोल घूम के आएगा फिर कैविटी में जाएगा इस तरफ मान लो मोल्ड कैविटी है इसके अंदर मेटल को घुसना है तो इधर से सर राउंड मार के आएगा इधर से सर राउंड मार के आएगा तो जब मेटल यहां पे ऐसे घूम रहा होगा जब मेटल यहां पे ऐसे घूम रहा होगा तो घूमते वक्त एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो यहां पे एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगेगा उस सेंट्री फ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा जो लाइटर इंप्यूरिटीज हैं वो आकर के ये इधर पे सेट होगा यहां बीच में मोल्ड रहेगा ठीक है ये लाइटर इंप्यूटीज इधर आके सेट हो जाएगा हेवियर इंप्रिटीज फार साइड चला जाएगा लाइटर इंप्रिटीज इनर साइड पे चला जाएगा हेवियर इंप्रिटीज जो मेरे प्यारे दोस्तों हैं, वो कहां चला जाएगा फार साइड पे चला जाएगा इधर हेवियर इंप्रिटी फार साइड पे और बीच से लगभग लगभग अभी भी हो सकता है कुछ इंप्रिटीज कैरी हो जाए लेकिन अब लिक्विड मेटल अब यहां इंटर करेगा और यहां पे इंप्यूरिटी की मात्रा काफी कम रहेगी यहां पे इंप्यूरिटी की मात्रा अब काफी कम रहेगी सर अब जब इस तरह से घुसने के बाद यहां गया तो क्या यह लिक्विड मेटल एकदम प्योर है नहीं अभी भी प्योर नहीं है बाय द वे ये जो सिस्टम बनाया जाता है वहां पर अगर जरूरत पड़े तो बनाया जाता है उसको कहते हैं गेट क्या बोलते हैं दोस्तों गेट बोलते हैं डब्ल्यू एच आई आर एल जी ए टी इसको क्या बोला जाता है दोस्तों व्हील गेट बोला जाता है वो कैसे काम करता है इससे पहले कि मेटल मेन कैविटी में एंटर करे मेन गेट से उस मेटल को गुजारा जाता है घूम घूमी गोल गोल गेट से जहां उसके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ आ जाते हैं और ठीक से कौन पास करता है लिक्विड मेटल अब सुनो ध्यान से उसको बोला क्या जाता है उसको बोला जाता है गेट. और आप जब नोट्स देखोगे तो वहां ये सारी चीजें भली भांति अच्छे तरीके से समझा के लिखवाई गई है सामने आपके स्क्रीन के दिख रहा है सर अब जो हमारा बचा हुआ मेटल है जो यहां एंटर किया क्या सर वो पूरा फिल्टर्ड होगा नहीं अभी भी यहां पे इंप्यूरिटीज होंगे तो अब सर उसको फिल्टर कैसे करेंगे हाउ विल बी फिल्टर द रिमेनिंग देयर इन द कैविटी भाई साहब वो कैविटी के अंदर ही फिल्टर हो जाएगा सर ये क्या मजाक कर रहे हो ऐसा तो किसी सर ने नहीं पढ़ाया सर ये कैसे हो जाएगा सर कि लिक्विड मेटल अंदर भरा हुआ है इसके अंदर और आप कह रहे हो कि सर अंदर में ही फिल्ट्रेशन हो जाएगा हाँ भैया सर मजाक कर रहे हो क्या नहीं बिल्कुल नहीं सच्चाई बता रहा हूँ सर बताओ करके तो समझाओ कैसे होता है कि सर यहाँ पे तो यहाँ पे तो सर यहाँ पे तो सर ये लिक्विड मेटल है इसमें कह रहे हो इम्प्रिटी बचा हुआ है तब तो ये फिल्टर्ड कैसे यहाँ कैविटी के अंदर ही कैसे फिल्टर हो जाएगा सर देखो यहाँ पे अगर हम यह एक काम सुनिश्चित करवा दें और वो काम क्या है यूनिडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन तो श्योर है कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे फिल्टर्ड हो जाएंगे इंप्यूरिटी आप ये बताओ कोई सॉलिड इंप्यूरिटी है वो सॉलिड इंप्यूरिटी अच्छे से घुलेगा मिलेगा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में कि वो अच्छे से घुल मिलकर रहेगा लिक्विड के साथ ओब्वियसली लिक्विड मेटल के साथ वो अच्छे से घुल मिल के रहेगा सॉलिड स्टेट वाले मेटल के साथ वो अच्छे से घुल मिल के नहीं रह सकता है राइट 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 यस मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों साथियों भाइयों और बहनों यहां अगर सोलिफिकेशन की शुरुआत हो रही है और हमने ये इंश्योर करवाया कि सोलिफिकेशन ऐसे हो पहले तो बाउंड्री से स्टार्ट हो ऐसे हा? और फिर ये सोलिडिफाई हो करके इस तरफ बढ़े लाइक like यहां ऐसे सॉलिडिफाई हुआ ऐसे बढ़ा अब देखो होगा क्या सॉलिडिफाई होकर मेटल जब आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा होगा कुछ इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा और मान लो कि यहां पे एक बदमाश इम्प्यूरिटी बैठा हुआ है यहाँ पे एक बदमाश इम्प्यूरिटी बैठा हुआ यहाँ पे ऐसे राइट right? तो अब पीछे से जो ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है वो जब बढ़ते बढ़ते इस इम्प्यूरिटी के पास पहुंचेगा ये जब बढ़ते-बढ़ते इंप्यूटिटी के पास पहुंचेगा तो ये सॉलिड मेटल जो आगे सॉलिडिफाई होके बढ़ रहा है वो उसको धक्का मारेगा उसको धक्का मारेगा बोलेगा भाग यहां से मैं सॉलिड हूं तू तो जा उधर लिक्विड में जा तो ये यहां से उठ के आगे आ जाएगा ये यहां से उठ के क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा बोलेगा मेरे को मार के भगा दिया मेरे को पीट के भगा दिया हां फिर अब सॉलिड solid, सॉलिडिफिकेशन चालू रहेगा ऐसे होता जाएगा ऐसे सोर्डिफाई होता जाएगा ऐसे सोर्डिफाई होता जाएगा उसको धक्का 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 मार 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 के 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 बाहर फेंकेगा ऐसा करते करते उसको ला करके एंड में खड़ा कर देगा धक्का मार मार, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के धक्का मार मार के इधर जमा कर देगा और पूरा सोलिफिकेशन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा जो भी बचे हुए इंप्यूरिटीज थे वो भैया यहां कैविटी में सोलडिफिकेशन के दौरान फिल्टर हो गए ऐसा तभी होगा जब आप ये इंश्योर करोगे कि ये सोल्डिफिकेशन जो हुआ इस तरीके से हुआ कैसे हुआ एक तरफ से चालू हुआ दूसरी तरफ गया इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल इसको भी अलग से पढ़ेंगे घबराना मत ठीक है चलिए अब सर यहां पे मेटल तो भर गया लेकिन सर सैंड कास्टिंग कर रहे हो मुझे इंजन बनाना है इंजन बनाना है तो सर मेरे को उसके अंदर ना सिलेंडर वाला होल चाहिए ना उसमें तो पिस्टन फिर रेसिप्रोकेट करेगा ना सर तभी तो मैं कार और बाइक को दोहराऊंगा ऐसा अगर करना पड़े कि हमें हॉलो सेक्शंस बनाने पड़े सैंड कास्टिंग के दौरान क्या करना पड़े हॉलो सेक्शंस बनाने पड़े सैंड कास्टिंग के दौरान तो उसके लिए मेरे प्यारे मित्रों करना क्या पड़ेगा करना क्या पड़ेगा उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों जिस जगह पे हमें हॉलो सेक्शन चाहिए ये पूरा क्या है कैविटी है अगर इसमें पूरा लिक्विड मेटल भर गया तो सोलडिशन के बाद तो कास्टिंग बनेगा हमें क्या चाहिए हॉलो कास्टिंग चाहिए तो हॉलो कास्टिंग अगर हमें चाहिए तो जितनी दूर में सेक्शन हॉलो चाहिए उतनी दूर में लिक्विड मेटल को घुसने से रोकना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए हम मेरे प्यारे मित्रों यहां पर देर इज समथिंग कॉल्ड एज कोर कोर लगाते हैं सर कोर क्या होता है कोर क्या होता है सर जिस मटेरियल का ये सैंड मोल्ड बनाए हो ना सैंड प्लस क्ले प्लस वाटर लगभग लगभग उसी मटेरियल का थोड़ा सा बेटर प्रॉपर्टी वाला मटेरियल यूज करके वैसे ही मिक्स वगैरह करके तुम्हें अगर सिलिंड्रिकल होल चाहिए तो उसी मोल्ड मटेरियल का बना हुआ तुम क्या बना लो एक सिलिंड्रिकल कोर बना लो और उस सिलेंड्रिकल कोर को यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे घुसा दो और कैंटिलीवर की तरह लटका दो ठीक है लटका दिया सर तो तो उसका अपना वेट होगा ना तो हो सकता है कि वो अपने वेट की वजह से ऐसे नीचे झुक जाए अगर अपने वेट की वजह से वो नीचे झुक जाएगा तो पिस्टन ऐसा ऐसा थोड़ी ना दौड़ेगा उसमें बनाना कुछ था बन कुछ जाएगा वो ऐसा सीधा रहना चाहिए मतलब उसको नीचे से एक सपोर्ट देना होगा है कि नहीं ये सपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे पिंस यूज करते हैं थोड़ा सैंड मोल्ड में घुसा देते हैं और ऊपर थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं उसको चैपलेट कहते हैं क्या बोलते हैं उसको चैपलेट बोलते हैं चैपलेट्स क्या होते हैं सर अरे पिंस होते हैं जो सपोर्ट दे सके जैसा मैंने शेप दिखाया है लगभग उसी तरह का और, और भी डिफरेंट शेप्स का ये जो तो दिख रहा है नहीं यार ये वाला इसको बोलते हैं चैपलेट किसका बना होता है उसी मेटल का बना होता है जिस मेटल की तुम कास्टिंग कर रहे हो ठीक सर कैसे काम करता है फिलहाल जब कैविटी खाली है नीचे से ये लगा हुआ है इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा। है। लेकिन जब इसमें अब लिक्विड मेटल भरेगा कैविटी के अंदर जब लिक्विड मेटल भरेगा कैविटी के अंदर तो क्या होगा वो लगाएगा फोर्स ऑफ बी उत्प्लावन बल एक इसका वेट नीचे की तरफ दूसरा ये लग रहा है उसके ऊपर फोर्स उत्प्लावन बल अगर इसका नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा तो हो सकता है कि कोर आपका ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाए तो क्या पिस्टन ऐसा उसमें जाएगा नहीं रे बाबा तो ऊपर से भी सपोर्ट देना होगा उसके लिए भी चैपलेट यूज करेंगे पिन जैसा रहेगा ऐसे लगा देंगे इधर और सैंडमोल में थोड़ा घुसा देंगे सपोर्ट दे देगा कोर को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट का यूज करते हैं अब सर ये काम कैसे करता है आप तो बोल रहे हो सर ये तो उसी मेटल का बना हुआ है जिस मेटल की कास्टिंग कर रहे हो बिल्कुल उसी का बना भी रहना चाहिए तो आप कहोगे तो मेल्ट कर जाएगा सपोर्ट कैसे करेगा हाँ ये मेल्ट कर जाएगा सपोर्ट भी करेगा सर ये कैसे होगा देखो ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो जब आप लिक्विड मेटल को उस कैविटी में पोर करते हो नीचे डालते हो तो क्या होता है यह होता है सबसे पहले जब मेटल को वहां डाला जाता है तो टेम्परेचर उस लिक्विड मेटल का उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा रहता है पोरिंग टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पोर करते हो और जिस टेम्परेचर पे मेटल उस कैविटी में इंटर करता है वो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा रहता है अगर नहीं ज्यादा रहेगा तो लिक्विड डालोगे वहीं सोलिडिफाई होने लगेगा लिक्विड डालने के बाद वहां तक चल के पहुंचना चाहिए ना फिर सोलिडिफाई होना चाहिए ना सो मेरे प्यारे मित्रों एक बार ए ऑन कर लेने दो गरम गरम हो गया हूं तो भैया चालू हो जाओ हाँ जा सजन क्या हो रहा है भैया आ, आ गया टेम्परेचर चले जाओ बोला भैया जा। हाँ टर्बो ऑन हो जाओ टर्बो हाँ फैन की स्पीड बढ़ जाओ हाँ चलिए अरे तुम लोग हो भैया देखो यार साठ लोग देख रहे हो कहाँ

मैं तो बुला लूंगा महाकाल को समझे धासू सर को कब से बोल रहा हूँ पीडीएफ क्लास की शुरुआत में देखो सारा बताया है पीडीएफ कहां से और कैसे मिलेगा केनिल में सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं अभी जैसे एम एक्स .E के पढ़ रहा हूं फिर अभी मैंने पढ़ा गेट एकेडमी का और फिर हमने अभी पढ़ा लेट्स क्रैक गेट एन ए का सारे चैनल्स पे हूँ ना मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है तो ठोको लाइक भैया ऐसे कैसे चलेगा लाइक्स ही नहीं दिख रहे हैं फटाफट लाइक करो चलो और आगे बढ़ते हैं फिर है ना लाइक वाइक के चक्कर में ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे लेकिन हाँ लाइक वाइक करते रहो तो अच्छा रहेगा अरे हाँ भैया एक से कलेक्शन एक सौ लाइक हो गए मैं तो ऐसे ही बोला था कि सत्रह लाइक है कि तुम लोग को भी लगे सर क्या बोल रहे हैं लाइक बढ़ाइए सर का समझा करो यार <clears throat> समझा करो चलो ग्रेट ऑसम टू सी यू ऑल एंड यू आर ऑल ऑसम गाइज मजा मुझे भी आ रहा है आप सब लोगों को देख कर तो बारी बारी से सारे ही चैनल के कमेंट देख रहा हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हाँ जीवन कह रहे हैं कि टाइम सेम है मैथ का प्रोडक्शन का इससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ सेसन से सर कैसे कर पाएंगे आ, जीवन भाई मैं बात करता हूँ उनको बोलूंगा कि तो क्या चल क्या रहा है है ना कि तो मैथ थोड़ा इसका टाइम थोड़ा अलग हो जाता तो अच्छा रहता विल सी विल फाइंड सम वे राइट एनी हाउ चलिए जब लिक्विड मेटल को डालते हो टेम्परेचर क्या रहता है पोरिंग टेम्परेचर वहां पहुंचने के बाद कैविटी में पहुंचने के बाद वहां से डिग्री ऑफ सुपर हीट बाहर निकलता है और फिर उस लिक्विड मेटल का टेम्परेचर कम होता है कम होता है कम होता है वो पहुंचता है मेल्टिंग टेम्परेचर पे और उसके बाद सोलडिफिकेशन की शुरुआत होती है सुनो ध्यान से क्या होता है चैपलेट सर वहां कैसे काम करता है आप कह रहे थे कि सर चैपलेट सपोर्ट सर भी करता है आप ही कह रहे थे सर कि चैपलेट मेल्ट भी कर जाता है मतलब ये क्या मजाक बना रखा है सर वो मेल्ट कर जाएगा तो सपोर्ट कैसे करेगा अरे भैया यही तो गेम है जो कि और कहीं नहीं समझाया जाएगा खाली ये रटवा दिया जाएगा कि चैपलेट कोर को सपोर्ट करता है आगे इंटरव्यू में पूछेगा तो खत्म सुनिए ध्यान से। यहां क्या हो रहा है जब चैपलेट यहां लगा हुआ है और लिक्विड मेटल डांस डांस करते हुए अंदर घुस रहा है ठीक लिक्विड मेटल यहां डांस डांस करते हुए अंदर घुस रहा है ठीक है तो अंदर लिक्विड मेटल घुसा इसको भरा अब जैसे ही यहां लिक्विड मेटल घुसा तो लिक्विड मेटल का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ और चैपलेट का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा क्या भाई अरे भाई लिक्विड मेटल का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा और चैपलेट जो पहले रूम टेम्परेचर पे था उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा जैसे गर्म हुआ वैसे मेल्ट कर जाएगा क्या चैपलेट मजाक है क्या अरे भाई चैपलेट है उसी मेटल का बना हुआ है जिसकी कास्टिंग कर रहे हो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट उतना है जितना इस मेटल की कास्टिंग कर रहे हो उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो इस चैपलेट का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगेगा और उस बीच में ये ठंडा होता जाएगा और इवेन यहां पे ठंडा होकर के सोलिडिफिकेशन की शुरुआत हो जाएगी अच्छा जब इस मेटल का टेम्परेचर जो इसमें भरा है वो कम होगा तो ये बताओ उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी ये लिक्विड मेटल जो यहां भरा हुआ है वो गाढ़ा हो जाएगा कि पहले की तरह ही पतला रहेगा वो गाढ़ा हो जाएगा या पहले की तरह ही पतला रहेगा वो गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि उसकी अभी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी विस्कोसिटी जब उसकी बढ़ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या होगा पहले जितना उत्प्लावन बल फोर्स ऑफ बीओंसी वो लगा पा रहा था क्या अब वो लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा और मेरे प्यारे दोस्तों इस वजह से जब तक वो एकदम पतला था तो फोर्स ऑफ बीओंसी बहुत लगा रहा था वहां समस्याएं हो सकती थी कि कोर ऊपर नीचे हो जाता लेकिन जब ये गाढ़ा हो गया लिक्विड और अब सोलिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है अब ये तो लगा ही नहीं पा रहा होगा तो चैपलेट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है उसी टाइम पे चैपलेट मेल्ट कर जाएगा उसी चैपलेट कर जाएगा, जा जी ले अपनी मैं तो चला समझ रहे हो झोला उठा के आए थे झोला उठा के चले जाएंगे चैपलेट वही है मतलब हमारे डियर आगे नहीं बोलना चाहिए सर की तरह झोला उठा के आए थे झोला के चले जाएंगे चैप्टर झोला उठा के आया था झोला उठा, उठा, उठा के चला गया काम कर गया लेकिन विकास कर गया अरे धीरेन्द्र पढ़ लो ना कल हम मर जाएंगे धीरेन्द्र धीरेन्द्र एकदम पागल हो गया है कह रहा है दस बार लिखा सर बोलिए गेट ट्वेंटी थ्री के लिए पूरा होगा सिलेबस कल हम मर जाएंगे तो कैसे होगा सिलेबस पूरा या अभी पढ़ाते पढ़ाते हार्ट अटैक मार दे और राजीव सर खत्म कोई है भी नहीं बचाने वाला पानी पिलाने वाला है भाई तो कहां से पढ़ोगे तो जीवन में कुछ भी कल पे क्यों सोच रहा हो आज जो मिल रहा है वो लो ना ये अनमैचेबल है ना ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो पढ़ लो जो समझाया जा रहा है कल की चिंता मत करो राजीव सर जिंदा रहेंगे तो जरूर पढ़ाने आएंगे ठीक है सुनो आगे सुनो इंडियन कह रहा है लेट्स क्रैक गेट एंड सी चैनल पे की सर बहुत दिन के बाद आपका लेक्चर देखा आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है सल्यूट इंडियन तो बहुत दिन के बाद इसलिए देखें कि मैं यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ाता हूँ मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे ये भाई साहब ठीक है मेरी गलती है बट कोई नहीं जब भी पढ़ाता हूँ तो दिल लगा के पढ़ाता हूँ जो भी पढ़ाता हूँ दिल लगा के पढ़ाता हूँ कोई मजाक नहीं ठीक है हाँ, हाँ योगेश भाई मेरे घर के ऊपर जज साहब रहते हैं तो थोड़ी ना वो बचाने आएंगे क्या पता हार्ट अटैक मारा गिर गए तो किसी को पता चलता है चलिए छोड़िए तो पढ़ते हैं मन लगा के अब आगे बढ़ते हैं धीरेन्द्र दिल पे ले लिया बोला मरने जिंदे वाला बात कहां से ले लिया पढ़ लो चुपचाप बेटा बैठ के ठीक यहां आप मेरी क्लास में केवल बैठ के पढ़ो ठीक है क्वेश्चन मिलेंगे जब तो हो जाएगी हालत खराब तो क्वेश्चन आने वाले हैं दमदार अभी थोड़ी देर में चलो अब सुनो सर ये जो इसके ऊपर फोर्स वोर्स लगता है थोड़ा बताओगे कितना लगता है बिल्कुल बताएंगे ये जो कोर यहाँ पे लटका हुआ है तुम जब पानी में छलांग मारते हो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स ऑफ बुओंसी लगता है और तुम्हारा नीचे की तरफ अपना एक वेट काम करता है तो तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स जानते हो कितना लगता है सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगता है आर्कमिडीज वाला यूरेका यूरेका वाला वो बराबर होता है तुम्हारे द्वारा विस्थापित किए गए लिक्विड को हिंदी में क्या बोलते हैं तो द्रव्य तुम्हारे द्वारा विस्थापित किए गए द्रव्य के द्रव्यमान नहीं भार के तुम अगर इसमें पानी भर दो और इसमें तुम, तुम कूद जाओ कोर की जगह अगर तुम बैठ जाओ तो तुम्हारे ऊपर फोर्स ऑफ बिल पानी कितना लगाएगा तुम्हारे द्वारा डिस्प्लेस किए गए पानी के वजन के बराबर ठीक वो ऊपर की तरफ लगाएगा और तुम्हारा एक वजन नीचे की तरफ लग रहा होगा उसी तरीके से जो यहां पे ये ये हमारा कोर है इसका अपना एक वॉल्यूम होगा मान लीजिए इस कोर का जो वॉल्यूम है वो है वी क्या मान लू इस कोर का जो वॉल्यूम है वो कितना है वी है तो इस कोर को जब यहां लगाएंगे तो यहां से कितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर ठीक अब उस लिक्विड का जो वेट होगा उतना इस पर लगेगा फोर्स ऑफ बी उसका वेट कितना होगा अगर वॉल्यूम इतना डिस्प्लेस हुआ लिक्विड का जो कि कोर के वॉल्यूम के बराबर है इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेटल से इतने मास को वो वहां से डिस्प्लेस कर देगा और इसमें जब तुम ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त इतना फोर्स इस कोर के ऊपर ये जो लिक्विड है वो लगाएगा अच्छा कोर का भी तो अपना वेट है वो कितना होगा तो कोर का जो वॉल्यूम है वो अगर वीसी है और जिस मटेरियल का कोर बना हुआ है सैंड ही तो बना हुआ है अगर उसकी डेंसिटी अगर रो एस मान लो सैंड की डेंसिटी तो इतना हो गया मास इसमें मल्टीप्लाई करो जी से इतना फोर्स उसका अपना खुद लग रहा होगा नीचे की तरफ अब मेरे प्यारे दोस्तों नेट फोर्स कितना लगेगा अगर भाई साहब ये बुंसी फोर्स ज्यादा हुआ और इसका वेट अगर कम हुआ तो इस 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 चैपलेट इस इस, इस इस कोर के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस कोर के ऊपर मेरे प्यारे मित्रों जो फोर्स लगेगा वो फोर्स देखो कितना होगा वो फोर्स देखो मेरे प्यारे के दोस्त कितना हो जाएगा एफ नेट अगर उसको तुम लिखना चाहो उसको अगर तुम एफ नेट लिखना चाहो तो दैट विल बी एफ नेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाय जी ये कॉमन निकाल लिए मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द कोर इज मेड अप ऑफ सैंड मोल्ड राइट इतना नेट फोर्स किस पे लगेगा इतना नेट फोर्स लगेगा कोर के ऊपर मतलब इतने नेट फोर्स को किसको बैलेंस करना है चैपलेट को बैलेंस करना है सुनो अब करवाता हूं वही क्वेश्चन जो आएगा गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अब तुम्हें करवाने जा रहा हूं वही क्वेश्चन जो आने वाला है गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कौन सा क्वेश्चन है सर दिखाओ ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन देखो ये भी पीडीएफ तुमको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ये पूरा पीडीएफ जो है इसमें तीन चार सौ क्वेश्चन है ये कहां मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यहां पे ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा सर कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है फिर से लिख के दे रहा हूं भैया ये टेलीग्राम ग्रुप है ये टेलीग्राम ग्रुप है एम ई सी एच ए आर एम वाई मेक आर्मी मैकेनिकल की आर्मी है ना और ये स्मॉल लेटर में है और मेरा ही फोटो लगा हुआ है उधर आराम से टेलीग्राम में ढूंढोगे मिल जाएगा उसी में जाना पिन मैसेज पे क्लिक करना ये कास्टिंग का क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी में हम लोग को आगे बढ़ना है स्कैन क्यूआर कोड फॉर डिटेल सॉल्यूशन ऐसे स्कैन करोगे डिटेल सॉल्यूशन खुलेगा और सबसे पहला तुम्हें दिखेगा ये यूवाईक्यू अपकमिंग ईयर क्वेश्चंस ये टर्म ही पैदा किया गया है राजीव सिंह के द्वारा और जो मैं इसमें आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो ये रहा ये रहा आपकी स्क्रीन पे आप खेल रहे हैं चालीस करोड़ रुपए के लिए और ये रहा आपकी स्क्रीन पे चलो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन यह कह रहा है कि चैपलेट्स आर यूज टू तो सपोर्ट अ सैंड कोर इन साइड अ सैंड मोल्ड कैविटी द डिजाइन ऑफ चैपलेट्स एंड द मैनर यूच दे आर प्लेस्ड इन द मोल्ड कैविटी सरफेस अलाउज ईच चैपलेट्स टू सस्टेन फोर्स ऑफ फोर पॉइंट फाइव मतलब वहां जो चैपलेट लगाया गया है ना हर एक चैपलेट तो कितने किलोग्राम का फोर्स बर्दाश्त कर सकता है साढ़े चार के जी मतलब चार दशमलव पांच चार के जी सेवरल चैपलेट्स सेवरल चैपलेट्स लोकेटेड बीनीथ द कोर बहुत सारे चैपलेट वो कह रहे हैं कि कोर के नीचे में लगाया गया है वहां भी लगाए थे ना कोर के नीचे में बीनीथ द कोर टू सपोर्ट इट बिफोर पोरिंग है ना पोरिंग से पहले सपोर्ट करने के लिए एंड सेवरल अदर चैपलेट्स आर प्लेस्ड एबव द कोर सेवरल अदर चैपलेट्स आर प्लेस्ड एबव द कोर टू रेसिस्ट द बोयसी फोर्स ड्यूरिंग पोरिंग कह रहा है अगर वॉल्यूम ऑफ कोर इज पांच हजार तीन सौ पच्चीस दशमलव आठ सेंटीमीटर क्यूब

धीरेन्दर छे अभिषेक शुक्ला दो चैपलेट अरविंद कोर्ब लगाया गया है वहां हॉलो सेक्शन बनाने के लिए एफ एम जी सी जी तुम्हारा डाउट रहेगा आपको स्पेशल क्लास में ले रहा हूँ वहां आ जाना अच्छे से समझा देंगे ठीक है स्पेशल क्लास में आ जाना क्वेश्चन गया ना ऊपर से तो देखो अभी लेकिन अभी लेकिन सुनो ये क्वेश्चन तो ऊपर से चला गया लेकिन सुनो अभी एक जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम कहोगे सर मैं ही तो सॉल्व करूंगा ये करो छोड़ो उसको छोड़ो अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो तुम्हें करना क्या चाहिए इस क्वेश्चन को देखो एन एलुमिनियम कॉपर एलवाय कास्टिंग इज मेड इन अ सैंड मोल्ड यूजिंग अ सैंड कोर व्हिच वेट्स ट्वेंटी के जी दetermine the force in Newton tending to lift the core during pouring. Density of the alloy is 2.81 and sand is 16.05 kg per meter cube. <coughs> या फिर ये तो गेट वाला नहीं है एक मिनट ये गेट वाला क्वेश्चन नहीं है मैं तुमको एक गेट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ इसको भी करने में थोड़ा सा तुम्हें तकलीफ हो ही जाएगा सुनो एक मिनट ध्यान से एक जाते हुए लम्हा जरा ठहरो जरा ठहरो जरा से मिलना है कुछ बातें करना है एक एक क्वेश्चन ला रहा हूँ एक मिनट जाओ मुझे लगा वही वाला क्वेश्चन था मैंने गलत क्वेश्चन चूज ही कर लिया था अभी आपको देने के लिए कोई बात नहीं कल से ध्यान रखूंगा होल्ड ऑन गाइस एक दो मिनट टूट जाओ लेके आ रहा हूं या मिल गया चलो ये तो कर लोगे कुछ लोग कहते सर दिमाग के ऊपर ही चला गया नहीं कलेक्शन ग्रुप मुझे सब कुछ करने आता है एक्सेप्ट गाना नहीं गा पाता वो करने आया था तो मैं सातवें आसमान पे रहता एफएमसीजी तुम एफएमजीएस एम जी एस जी तुम फॉलो कर लो जाके मुझे अन अकेडमी पर ठीक है वो जब क्लास होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आके डाउट पूछ लेना नहीं गलत आंसर है अभिषेक शुक्ला जो तुम नौ लेके आए हो गोपाल प्रसाद जो तुम नौ लेके आए हो गलत आंसर है फिलहाल इस क्वेश्चन को करो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो दिमाग के ऊपर से चला गया है ना सर वो सब क्वेश्चन मत करवा वो गेट में थोड़ी ना आएगा <laughs> पर इसको करो तुम गेट 2008 पीआई में आया था सैंड कास्टिंग ऑफ हॉलो पार्ट ऑफ लेड ए सीडिकल कोर ऑफ द मोल्ड कैविटी डेंसिटी ऑफ द कोर मेटेरियल एंड दर सिक्स हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोग्राम पर मीटर क्यूब रेस्पेटिवलीट फोर्स टू लिफ्ट कोर ड्यूरिंग दोरिंग ऑफ मोल्टेड मेटल क्या होगा फॉर्मूला बताए थे और तुमने फार्मूला लगा दिया कि सर एफ नेट जो होगा वो आपने बोला था ना कि वॉल्यूम ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सेंड ये तो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट आ जाएगा ना आंसर भैया इससे डायरेक्ट कैसे आ जाएगा ग्यारह हजार तीन सौ ये देखो ग्यारह हजार तीन सौ सो माइनस सोलह सो इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ठीक यूनिट का ख्याल रखना है मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया 120 सौ बीस एम एम डायमीटर है एक सौ अस्सी एम एम उसका हाइट है ठीक है सिलिंड्रिकल कोर का तो पाई बाई फोर वन ट्वेंटी स्क्वेर मल्टीप्लाइड बाई वन ये वॉल्यूम हो जाएगा लेकिन ये वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब में होगा इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए टेन टू पावर माइनस नाइन से मल्टीप्लाई कर देना और बाकी बचा जी जी तुम ले लेना दस या नौ दशमलव आठ कुछ भी आंसर कोई करीब करीब तो है नहीं तो दस ही ले लेना और जब मेरे प्यारे दोस्तों इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है वन नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन आता है ना भैया कैलकुलेट करो इसको ये 193.7 आ रहा है ना है ना यस yes, 193.7 आ रहा है ग्रेट तो ये क्वेश्चन तो सर बन गया लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के जैसे मैंने ये फॉर्मूला तुमको लिखवा दिया और ये फॉर्मूला लिखवाते ही मैं ये क्वेश्चन करवा दू तो तुमको क्या लगेगा ना और जबरदस्त सर ने तो ऐसा पढ़ाया ना सर ने तो ऐसा पढ़ाया ना कि भाई साहब मैंने गेट 2008 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई वो गेट 2008 में आया था तब तुमने दुनिया भी अच्छे से नहीं देखी थी ये 2023 आने वाला है जमाना बदल गया कंपटीशन बदल गया तब तीन चार हजार लोग गेट का एग्जाम दस हजार बीस हजार लोग देते रहे होंगे अब लाखों लोग देते हैं तब कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे राजीव सर आके यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते थे अब सब राजीव सर जैसे पढ़ा रहे हैं तो कॉम्पिटिशन अब हो गया है टफ अगर आप इस सोच में है कि एक फॉर्मूला रट लिए और रट के उसको यहां अप्लाई कर दिए और आंसर आ गया और अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सीखना है फॉर्मूला के सॉल्व नहीं करना है कि एक फॉर्मूला दिया एक क्वेश्चन दिया वो आपको बेवकूफ बनाना हुआ सीधा सीधा यूट्यूब पे मैं तो अपना प्रचार करके चला गया बाकी आपके टाइम को मैंने किया पूरा वेस्ट जो मैं कर नहीं सकता हूं मैं जो भी काम करता हूं ईमानदारी के साथ करता हूं खास करके जब मामला पढ़ाने लिखाने का हो तो मैं उसमें पूरी ईमानदारी बरतता हूं और मैं भले ही मुझे पता है मैं जो पढ़ाता हूं उसमें बहुत लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं सस्टेन वही करते हैं जो जानते हैं कि ये करेंगे तो रिजल्ट होगा कॉन्सेप्ट वही है कॉन्सेप्ट बदला नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दम है हाँ और ऐसे क्वेश्चन सब आ रहे हैं गेट में नहीं भरोसा है तो 21 का पेपर 22 का पेपर जाके देख लो और वो भी नहीं है। मेरे पुराने स्टूडेंट से भी बात कर लेना कि सर वाले क्वेश्चन सही में आए थे डायरेक्टली क्या वो यही बोलेंगे कि कि कॉमा और और डॉट भी वही वही था और जब सर चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि वही आएंगे तो आए वही क्वेश्चन उसका प्रूफ पड़ा हुआ है पे पिछले साल के भी कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं पे वो डिलीट नहीं किए जाते हैं और वहां मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला ये आएगा ये आएगा ये आएगा और वही क्वेश्चन आए थे कुछ भी नहीं बदला कुछ भी नहीं बदला तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए फिलहाल अभी ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा नहीं कर पाओगे मैं हूं ना मैं करवाऊंगा और आज ही डीपीपी भी दूंगा तुम्हें वो डीपीपी भी करनी होगी समझ में आ रही है बात तुम फेल होगे मुझे पता है तुमसे सॉल्व नहीं होगा बट घबराना नहीं है यार फेल हो गए तभी तो पता चलेगा कि नहीं कुछ जानते हो तुमसे हल्का फुल्का क्वेश्चन करवाते रह जाए तो तुमको यही लगा कि तुम सब कुछ जाते हो जब जाओगे गेट के एग्जाम में तो फैल जाओगे वहां जाके

क्या रहा है कि ध्यान से सुनो तुम्हारे पास इस तरह का एक मोल्ड होगा तुम्हारे पास इस तरह का एक मोल्ड होगा एक मिनट एक मिनट अरे भैया एक मिनट कह रहा हूं तो एक मिनट हो जाए हां तुम्हारे पास इस तरह का एक मोल्ड होगा राइट और उस मोल्ड के अंदर एक होगा मोल्ड कैविटी राइट वो है मोल्ड कैविटी ऐसा मान लो चारों तरफ क्या है सैंड होगा यहां पे ऐसे अच्छा इसके अंदर क्या लगा हुआ है इसके अंदर लगा हुआ है कोर भैया इसके अंदर लगा हुआ है कोर भैया कोर कैसा ऐसा इसी कोर को सपोर्ट करने की बात हो रही है ना यस इसी कोर को सपोर्ट होने की करने की बात हो रही है और कोई दूसरा कोर है नहीं इसी को सपोर्ट कर देना है तो इसको सपोर्ट करने के लिए वो क्या कह रहा है कि जो चैपलेट्स लगाए जा रहे हैं वो फोर पॉइंट फाइव फोर के जी का वजन सह सकते हैं तो पहली बात ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले कि इसमें मेटल भरा जाता तो इस कोर के वेट को बर्दाश्त करने के लिए नीचे में कितने चैपलेट्स लगाने पड़ते भाई साहब एक चैपलेट चार दशमलव पांच चार किलो के वेट को सह सकता है तो ये कोर कितने किलो का है भाई साहब इस कोर की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा कि जो कोर है इफ द वॉल्यूम ऑफ कोर इज फाइव थ्री टू फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर क्यूब भाई साहब और कहा कि द डेंसिटी ऑफ सैंड इज वन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो ये कोर कितने ग्राम का होगा सिंपल सी बात है ना कि जो मास ऑफ कोर होगा जो मास ऑफ कोर होगा दिख रहा है ना लिखा हुआ नहीं दिख रहा है लिखा हुआ तो लाल कलर से लिख देता हूं मास ऑफ कोर जो यहां होगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सैंड मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ़ द कोर डेंसिटी ऑफ द सैंड मल्टीप्लाइड द द वॉल्यूम ऑफ़ इज वन पॉइंट सिक्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कोर का इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड पांच सौ इक्कीस दशमलव दो आठ ग्राम मतलब ये हो जाएगा आठ दशमलव पांच दो एक ग्राम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आठ दशमलव पांच दो एक ग्राम तो हमें ये पता चल गया यहां से कि मास ऑफ कोर जो है जिसकी वजह से वेट नीचे की तरफ लगेगा कितने के का वेट लगेगा आठ दशमलव पांच दो के का वेट लगेगा भाई साहब एक चैपलेट अगर नीचे से लगाओगे तो ये तो फोर पॉइंट फाइव फोर के का ही वेट सह सकता है हाँ लेकिन कोर का वेट कितना है एट पॉइंट फाइव टू के है यस यस तो कितने चैपलेट्स नीचे लगाने होंगे कम से कम दो तो लगाने ही होंगे नंबर ऑफ चैपलेट्स नंबर ऑफ चैपलेट्स चैपलेट कितने लगाने होंगे नंबर ऑफ चैपलेट्स कितने लगाने होंगे तो नंबर ऑफ चैपलेट्स जो नीचे लगाने होंगे नंबर ऑफ चैपलेट्स जो नीचे लगाने होंगे नंबर ऑफ चैपलेट्स जो नीचे लगाने होंगे बीनीत एट पॉइंट फाइव टू के जी डिवाइडेड बाई एक चैपलेट सह सकता है फोर पॉइंट फाइव फोर के जी सर यह कितना आएगा कैलकुलेट करके ये आता है डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट फाइव फोर वन ये तो उल्टा हो गया एक मिनट एट पॉइंट 8.52 डिवाइडेड बाय 4.54 ये है 1.949 राइट मतलब क्या दो कोर दो चपलेट तो कम से कम लगाओ है ना तब ये इसका वजन नीचे की तरफ का सह लेगा तो नीचे लगा दिए दो कोर ये लो नीचे कितने कोर लेंगे एक आंसर आ गया दो कोर लेंगे अच्छा अब क्या होगा अब लिक्विड मेटल भरा जाएगा तो लिक्विड मेटल जब भरा जाएगा इसके अंदर ये लो

फोर्स ऑफ बुओंसी माइनस वेट ऑफ द कोर यस वो फोर्स डाउनवर्ड्स हो जाएगा वेट ऑफ कोर फोर्स ऑफ बुओंसी सर कितना लगेगा इसके ऊपर देखो इसको न्यूटन में भी निकाल सकते हो के में भी निकाल सकते हो हम लोग जी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग जी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे के में निकल जाएगा क्योंकि यहां पे के का टर्म दिया हुआ है समझ रहे हो ना बात को तो हम लोग क्या करेंगे सीधा लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सैंड यही नेट फोर्स लगेगा ना मल्टीप्लाईड बाय वॉल्यूम ऑफ द कोर अगर तुम जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू न्यूटन में आएगा जी से नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू के में आएगा भाई साहब ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में सर कितना दिया हुआ है ये देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 8.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ब्रास को पोर किया गया था सैंड की डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे तुम लिख लोगे 8.62 पॉइंट सिक्स टू माइनस वो कितना था मैं भूल गया एक बार फिर से देख लेता हूं 1.6 पॉइंट सिक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोर कितना है और ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ध्यान रखना ए भैया ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है नहीं ग्राम पर सॉरी सॉरी दोनों जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है है दोनों जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर कितना होगा अभी अभी निकाला था ना हमने वॉल्यूम ऑफ कोर जो हमारा है ये रहा दिया हुआ है सॉरी पांच हजार तीन सौ पच्चीस दशमलव आठ तो यहां पे पांच हजार तीन सौ पच्चीस दशमलव आठ लिख दो भैया पांच हजार तीन सौ पच्चीस दशमलव आठ ये देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इतना ग्राम आएगा नेट फोर्स उसके ऊपर ये कितना ग्राम आया एट पॉइंट सिक्स टू माइनस वन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव थ्री टू फाइव पॉइंट एट इज इक्वल टू ये आ रहा है सैतीस तीन सौ सतासी ग्राम मतलब सैतीस के जी यस एक बार फिर से कर लेते हैं एट पॉइंट सिक्स टू माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट जीरो सैतीस तीन सत्तासी ग्राम हां तुम लोग सही आंसर निकाले थे भाई मैं ही शक करने लगा सैतीस तीन ग्राम लगभग लगभग दशमलव में भी कुछ है मतलब लगभग सैंतीस दशमलव तीन आठ के जी हो गया ये राइट एक चैपलेट कितना सह सकता है एक चैपलेट कितना सह सकता है फोर पॉइंट फाइव फोर के जी तो अभी ऊपर में कितने चैपलेट्स लगाने होंगे है भैया कैलकुलेशंस अगर सारे सही हैं ठीक माइनस ये 1.6 है समझा क्या तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा टू सेवन पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव थ्री टू फाइव पॉइंट एट यह है सैतीस हजार तीन सो सतासी तो यह इतना लगेगा 37 केजी का नेट फोर्स उस पे। लेकिन एक बात अब सुनो इस हिसाब से क्या तुम्हारा ये आंसर सही है क्या सैतीस दशमलव तीन आठ के जी का वजन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ऊपर तुम कह रहे हो कि फोर पॉइंट फाइव फोर के जी तो ऊपर में तुमको कितने चैप्टर्स लगाने होंगे तुम यहां से आंसर निकाल के लाओगे सैंतीस दशमलव तीन आठ डिवाइडेड बाई ऊपर सह सकता है एक फोर पॉइंट फाइव फोर डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट फाइव फोर एक मिनट 37.38 दशमलव तीन आठ डिवाइडेड बाय फोर यह आ जाएगा एट पॉइंट टू थ्री नाइन चैपलेट्स अर्पन नाइन चैपलेट क्या, क्या सही आंसर है गलत क्या सही आंसर है क्या गलत 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 सर इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे पता चलेगा आपने क्यों क्वेश्चंस दिया है सर आंसर तो नहीं दिया है देखो एक मिनट ये स्लाइड नंबर कौन सा है फाइव है ना लिखा हुआ नीचे देखो यहाँ ये स्लाइड नंबर फाइव है जब इसको डाउनलोड करोगे पी को उस टेलीग्राम ग्रुप से और जैसे जैसे ये आगे बढ़ाओगे तो जब ये अपकमिंग ईयर क्वेश्चनस यू आई क्यू जब ख़त्म होंगे सर ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं है ना बहुत सारे तुम्हारे घर पे करने के लिए बहुत सारे काम दिए हैं मैंने घर पे नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है नीचे दो ऊपर नौ सारा कंफ्यूजन खत्म सारा कंफ्यूजन खत्म तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप इस पेशो पेश में रहोगे कि सर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो वो सही है कि गलत है तो उनके सारे आंसर्स भी इन पी में दिए गए हैं आप कैसे पी को डाउनलोड करोगे टेलीग्राम का ग्रुप मेकार्मी में जाने का ज्वाइन करने का पिंड मैसेज में जाना ऐसे से क्लिक करो तो बहुत सारे पिंड मैसेज आएंगे तो वहां पर जैसे ही तुमको दिख जाएगा कास्टिंग का प्रैक्टिस का पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लेना ठीक है और व्हाइट बैकग्राउंड में दिया है मैंने उसका प्रिंटआउट निकाल लेता और प्रिंट आउट करने वाले को बोलना कि एक पेज में कम से कम चार से छ क्वेश्चन प्रिंट कर दे तो वो सेटिंग होती है फोटो स्टेट मशीन में उन लोगों के पास ये पीडीएफ ऐसा रहेगा तो क्लीन रहेगा एक जगह में एक ही पेज में चार कर दूंगा तो वो खराब हो जाएगा उसका जो रिजोल्यूशन है वो खराब हो जाएगा लेकिन फोटो स्टेट वाले को ये दो गया उससे जब एक पेज में वो चार प्रिंट निकालेंगे तो तुम्हारा रिजोल्यूशन अच्छा रहेगा समझे या एक पेज में छः निकलवा लेना या चार निकलवा के एक पेज देख लेना कि एक में चार अच्छा लग रहा है कि छः ठीक है और फिर इसको अच्छे से संभाल के रखना प्रिंट आउट निकाल के क्योंकि जब तक प्रिंट आउट नहीं निकलेगा मोबाइल में रखोगे तो पता चला क्वेश्चन खोले और मोबाइल में आया उधर से टन अरे टेलीग्राम पे आ गया फिर से नया रिवोल्यूशन तो पहली बात की बहुत ज्यादा ये यह रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन्यूशन के चक्कर में अगर रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है जहां पे तुम्हें दिल लगे मैं नहीं कह रहा हूं मेरी क्लास में तुम्हें लगे कि ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर ईमानदारी के साथ टिक करके सारे सर लोग अच्छे होते हैं ठीक है ईमानदारी से टिक के पूरा कोर्स पढ़ लो तभी होगी भलाई अगर तुमने सोचा कि नहीं आज यहां आज वहां कल वहां और दुनिया में क्या हो रहा है और जमाने में क्या हो रहा है तो ये मोबाइल से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है समझे इसको केवल और केवल और पढ़ने के लिए यूज करना बाकी फालतू चीजें सारी डिलीट कर दो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जब जरूरत पड़े तभी डाउनलोड करो हाँ ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा भाई जयसूर्या श्रीलंका से हो क्या जयसूर्या सूर्य और चैनल एम एक्स पी आई हाट पॉइंट टू थ्री जो भी आ रहा था ना तो एट के ऊपर आ गया मतलब नोमा चैप्टर चाहिए ही होगा ठीक यू आर इन एमसीए प्लीज गाइड मी आई वॉन्ट टू क्रैक गेट प्लीज सर हेल्प मी आई एम न्यू शुभम सिंह आप एम सी ए तो आप चूंकि कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं तो जो हमारा कंप्यूटर वाला चैनल सब है ना अकेडमी का जिसमें कि और हमारे कंप्यूटर वाले अच्छे अच्छे सर लोग पढ़ाते हैं विश्वदीप गोथी सर हैं संचित जैन सर हैं और एक साउथ के भी सर हैं तो उनसे जाके मिलिए वो अच्छे से हेल्प करेंगे आप मेरे से हेल्प मांगने आइएगा तो मैं तो कह दूंगा कि मैकेनिकल से लिखो ना भाई एक और फॉलोअर मेरा बढ़ जाएगा लेकिन तुम एम सी ए पढ़ो तो कंप्यूटर साइंस वाले फैकल्टी के यहाँ जाओ ना भाई उससे तुम गेट लिख सकते हो आसान रहेगा लिखते तो तुम एम ई के थ्रू भी लिख सकते हो मैं भी गेट लिख सकता हूँ इसी ब्रांच के थ्रू और कंप्यूटर साइंस कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन फायदा थोड़ी होगा ठीक है तो कंप्यूटर साइंस वाले क्लास में जाओ अरे भाई अब कल देखो जानते हो कल क्या हुआ कहो तो मैं व्हाट्सएप पर दिखा देता हूँ एक बच्चा मैसेज किया और क्या कहता है है सर प्रोडक्शन सिविल में पढ़ना है क्या पंद्रह नंबर हो जाएगा ना सर सिविल में हमारा असर सिलेबस वह भेज दीजिए तो समझ रहे हो मैं भी बिहार से हूँ मैं समझ गया कि वो भी बिहार से है भाई साहब पहले तो मैं दस मिनट हंसा खूब हंसा और लिखा था सर मैं सिविल से हूँ प्रोडक्शन कितने मार्क्स का आएगा आप कह रहे थे पंद्रह नंबर का आएगा तो सर पंद्रह नंबर ले आएंगे ना हम और सर गेट का सिलेबस भेज दीजिए सोचिए भाई साहब कसम से जिन लोगों का नंबर मेरे पास है बच्चों का और मेरा नंबर जिन लोगों के पास है वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकते हैं ना पहले मैं खूब हंसा दस मिनट मेरे एक फैकल्टी मित्र भी हैं मरुप तिवारी नाम है उनका उनको कॉल किया उनको बोला वो भी हंस के पागल फिर मैंने उसका स्क्रीन शॉट लिया उसके नंबर को मैंने भैया वो कर दिया पूरा कि कोई देखे नहीं और मैंने उसको स्टेटस लगाया और स्टेटस लगा के लिखा मन में है विश्वास पूरा है विश्वास कि अगर ऐसे बच्चे रहें तो हर कोचिंग होगा कामयाब एक दिन यही मेरा स्टेटस था कल रात को मैंने लगाया एक बजे और सोचो वो कितना मतलब वो लड़का मतलब उसको हिंदी में एक वर्ड होता है कहते हैं सिंसियर को पता नहीं क्या कहते हैं कितना सिंसियर है कि रात के साढ़े बारह बजे मैसेज करके पूछा वो तो मैंने शायद एक बजे के आसपास लगाया था स्टेटस तो ऐसे ऐसे लोग अगर होंगे तो मैं सोच रहा हूं मेरा क्या होगा मैं सोचता हूं कि मैं ही सुपरमैन हूं कि मैं तो ऐसे -ऐसे बच्चों को करवा रहा हूं कि बच्चे जो है एकदम से कहेंगे अप्रिसिएट करेंगे और फिर एक तरफ देखता हूं मैं जब तो आके ये एम वाला किधर गया जी तुम तुम किधर गया भाई तुम्हारे लिए अब एक ही काम है तुम देखो तुम्हारे ऊपर ये चलाया जाएगा तुम देखो भाई तुम तुम देखो ये ये तुम देखो यही करना पड़ेगा भाई अब कोई उपाय नहीं है सिविल वाला पूछ रहा है आकर के कि प्रोडक्शन पढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा और मेरे से आके भैया आप ये तो, एम वाला पूछ रहा है कि सर गेट का क्या करें आप समझा दीजिए अरे तो एम वाले हो तुम जाओ कंप्यूटर साइंस वाले के पास जयसूर्या प्लीज इंग्लिश इन बिटवीन ओके अच्छा वो प्लांट है सर ट्री आपको बनाना है ना कोई नहीं चलिए तो लाइटर नोट आई आई शेयर दिस गाइडेड एक्चुअली ठीक है बड़ा खतरनाक सेशन से नहीं हो गया क्या संजय बोला सर मैं कलुआ कैसे हो कलुआ तुम्हारा रियल नाम संजय है हाँ सर मेटेरियल साइंस कब लाएंगे प्लस पे कोई एक्सपेक्टेड डेट 2023 में या 2022 बाईस एंड में प्लीज सर जी तनुज तुम तुम मेटेरियल साइंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हो तुम मटेरियल साइंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाह रहे हो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ESE के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जो थर्टी फोर लेक्चर वाला कोर्स है पुराना वाला वो देख लो रिकॉर्डेड ठीक है पृथ्वी कार्तिक मैं तो सोच रहा हूं कि अब क्लास को यहीं एंड किया जाए हम्म देवे आ... कल भी हम लोग क्लास करेंगे ऐसा नहीं है और कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कल का भी शिड्यूल आपको देता हूँ जरा इसके बारे में पहले बता दूँ कल कैसे क्या क्या करेंगे और आपको क्या क्या करके आना है वो डी पी मैं आपको दे देता हूँ ठीक है और कल एक स्पेशल ग्रुप बना दूंगा आज तो बहुत लड़के ऐसे भी आंगे जिनको मतलब नहीं है वैसे लास्ट चांस है बीस परसेंट का ऑफ हो रहा है सारे ही तरह के सब्सक्रिप्शन पे और लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है पैसे की दिक्कत है लोन ले सकते हो ब्रह्मास्त्रा बैच प्लस पे भी शुरू हो रहा है बाइलिंगुअल बैच होगा सारी अनमैचेबल टीम है यहाँ पे एक तारीख से और ब्रह्मास्त्र बैच का कुछ यूएसपी भी, भी है आ, कि ब्रह्मास्त्र जो यूट्यूब पे चल रहा है अपना उसमें कोर्स कंप्लीसन तो होगा सब्जेक्ट टॉप एडुकेटर्स ही पढ़ाएंगे डेली डाउट सॉल्विंग नहीं मिल पाएगा डेली प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगा डी से स्पेशल क्लास नहीं मिल पाएगा प्रैक्टिस स्ट्रेटजी सेशन नहीं मिल पाएगा स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाएगा ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो है ब्रह्मास्त्र प्लस अगर ज्वाइन करते हो तो वहाँ मिल जाएगा दी दीपा विजन बैच गेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए स्टार्ट हो रहा है अनमैचेबल टीम है घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप सब लोगों को पता ही है कि जो अगर अन अकेडमी कभी भी ज्वाइन करना है तो सर कोई यस आर के फोर्टी सेवन मीन्स मेंटरशिप ऑफ राजीव सिंह ये तो सब लोग आप लोग जान ही रहे हो तो दोस्तों कल एक काम करिए कल ठीक नौ बजे आप लोग इकट्ठा हो जाइएगा कितने बजे ठीक नौ बजे और फिलहाल आपने ये मेकार चैनल तो ज्वाइन कर ही लिया है मेटर जो मैंने आपको बोला था ग्रुप ज्वाइन कर ही लिया और मेटल्स जो मैंने आपको बोला था कैसे मिलेगा तो वो अभी आप ग्रुप में आपको मिल चुका होगा राइट उसमें कोई दिक्कत है नहीं कल का एक क्लास और हो जाने दीजिए ठीक है ए के फोर्टी सेवन नहीं है विक्की तुम तो भैया आर के फोर्टी सेवन है वो सही से देखे नहीं हाँ तो आर के फोर्टी सेवन है वो और क्या करना है भैया कि हाँ बहुत लोग ज्वाइन किए हो ग्रुप अच्छी बात है अब एक काम तुम लोग को ये करना है ऊपर में देखो जैसे ग्रुप ज्वाइन किए होगे थोड़ा ही ऊपर स्क्रॉल करोगे तो लिखा हुआ है रॉकेट और बहुत सारा फायर की राजीव सर्स होल मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस प्रिंटेबल नोट्स इन व्हाइट बैकग्राउंड क्लिक ऑन लिंक विलो फॉर व्हाइट बैकग्राउंड उस पर क्लिक करोगे कुछ लोगों को दिक्कत आ जाएगी उन लोगों को दिक्कत आ जाएगी जो लोग ड्राइव नहीं रखे हुए हैं मोबाइल में तो मोबाइल में गूगल ड्राइव पहले तुम लोग डाउनलोड कर लेना उसमें लॉग कर लेना ठीक है अपना जी अकाउंट से फिर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा और मोबाइल में पढ़ना है तो ब्लैक बैकग्राउंड वाला भी अवेलेबल है उसको ले लो और यस इट इज अनमैचेबल और आगे क्या लिखा है मत पढ़ो किसी के चक्कर में क्योंकि क्योंकि कोई नहीं है प्रोडक्शन में टक्कर में है ना अच्छी बात है ग्रेट कल का एक और क्लास जब हो जाएगा ना तो अपने पास इतने कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि तब मैं आपको कह पाऊंगा कि अब इन पीडीएफ से आपको करना क्या है कैसे ठीक है तो एक बार आप लोग ऐसा कीजिए कल आइए कल हमारी मुलाकात होगी ठीक है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अरुणवा मंडल मैंने कितनी बार बोल तो दिया है अभी है। फिर तुमको नहीं पता चला लेट ज्वाइन किए हो क्या ये रहा लिंक नहीं लो तुम सीधा टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करना स्मॉल सब कुछ लेटर सी एच ए आर एम वाई जैसे ही तुम मेकार सर्च करोगे तो एक ग्रुप मिलेगा जिसमें तस्वीर मेरी लगी होगी कुंदन फेबरवरी तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी क्या हाँ पचास घंटे में पूरी हो जाएगी और पचास घंटे जिस महीने बीत जाएंगे उस महीने पूरा हो जाएगा ठीक बड़े मतलब उसने चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा है सर फेबर तक प्रोडक्शन यूनिंग पूरी हो जाएगी क्या ऑलरेडी मैंने प्लस पे पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट किया है 400 घंटे में ऑलरेडी मैंने प्लस पे पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट किया है 90 घंटे में अभी मैं आपके यूट्यूब पे पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करने वाला हूँ 50 घंटे में बिलीव मी जैसे ही ये कुछ दौर हमारा आगे बढ़ेगा मैं एक सिंगल सेशन लेके आने वाला हूं एक सिंगल सेशन पूरा प्रोडक्शन पांच घंटे में सर क्या पढ़ाओगे पांच घंटे में जब तुम देखोगे तो ये होने लगेगा वो पढ़ाने वाला हूँ उस पांच घंटे में समझ रहे हो सर तो वो पांच घंटे में क्यों पढ़ा रहे हो प्रोडक्शन उसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ स्पेशल शॉर्ट नोट्स

जो ऑलरेडी एक बार पूरा प्रोडक्शन मेरे से पढ़ चुके होंगे क्योंकि घंटे का जो डेप्थ होगा ना वो दुनिया संसार घूम के मिलाओगे तो तो सबसे पहले प्रोडक्शन किसी तरीके से नोट्स से ही सही किसी भी तरीके से मेरा पढ़ लो तो फिर क्या होगा जब एग्जाम आने वाला होगा उसके पांच सात दिन पहले जब फ्रस्ट्रेट रहोगे बारह सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें दिन पांच बचे हैं तो करना कुछ नहीं है फिफ्टीन मार्क्स का प्रोडक्शन फाइव आवर्स में एक भी पॉइंट बिना छोड़े हुए समझ रहे हो ना तो ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है लेकिन हां बात फिर वही है तुम अगर साथ देने का वादा करो है ना तो आप लोग भी मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी एक काम जरूर करें अगर आपको सच में लगा हो कि जो भी मैंने पढ़ाया है ऐसा अगर आप फील करें जो भी मैंने पढ़ाया है अभी राजीव सर ने इस क्लास में जो भी बताया है ये फिल्ट्रेशन वाली ही प्रक्रिया जो बताई है अगर आपको लगता है कि इससे पहले आपने कभी सुना होगा तो यहां मत आइएगा क्लास में बिल्कुल नहीं आइएगा ठीक है बट अगर आपको लगेगा कि सर इतनी ही दूर में जो आपने बातें खोल के रख दी उसमें दम था तो प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम लेट मी नो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताओ बट माई डियर अगर सच में लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है YouTube के इतिहास में पहली बार एंड राजीव सर सच में मेहनत कर रहे हैं देन माइ डियर सर रिक्वेस्ट लेट अदर्स नो दूसरों को भी जानने का मौका दो कि यस yes, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में ठीक है तो यहाँ पे आपके मदद की मुझे खासी जरूरत पड़ेगी है ना बिकॉज यू सी आई एम नॉट अ मार्केटिंग गाई दैट इज नॉट देयर इन मी मतलब मैं आऊँ और यूट्यूब पर डेली खोदू और ऐसे और ये वो मेरे से नहीं हो पाएगा आई एम अ कंटेंट गाई आई एम अ गुड टीचर दैट आई नो पीपल एप्रिसिएट मी वैन आई टीच सो आई कैन डू दैट एंड आई मस्ट डू दैट ओनली बट एट द टाइम यू गाइस कैन वनली बिकम माई अर्जुना माई भीमा माई युधिष्ठिर, है ना मैं बनने के लिए तैयार हूँ सब कुछ आपके लिए हम्म बट आपको भी बनना होगा अर्जुन कैसे गुरु दक्षिणा दो यार बताऊँ लोगों को कि कुछ नहीं करना है सुबह का आधा घंटा देख के तो देखो और कहीं अगर ऐसा हुआ हो तो फिर ठीक है राजीव सर जैसा पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहेंगे मैं कहीं और पढ़ लूंगा ठीक है लेकिन लगा हो कि कुछ बात है इसमें प्लीज हेल्प मी राइट सो थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन कल फिर नौ बजे हम लोग यहीं मिलेंगे कुछ ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा लेता हूं जय हिंद जय भारत गुड नाइट गाइज गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट अरे कमेंट दो गुड नाइट गुड नाइट का कम से कम यार हल्ला कर दो भाई गली गली में हल्ला कर दो कोई नहीं है टक्कर में कहा पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है प्रोडक्शन के टक्कर में कहा पड़े हो चक्कर में राइट right, हल्ला तो कर ही देना है मच्छा देना है भैया मच्छा देना है गुड नाइट गुड नाइट बोल दो गुड 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 नाइट 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 अरे भाई अभी तक एक ही दो गुड नाइट आए एक ही दो चैनल पर सब लोग गुड नाइट बोल दो यार इतना तो बोलो शुभ रात्रि गुड नाइट जय हिंद जय भारत जा रे वाह जय हिंद जय भारत गुड नाइट करते हैं रिवोल्यूशन रियल वाला रिवोल्यूशन इमोशन वाला नहीं रियल वाला रिवोल्यूशन ठीक है जो बात है स्पष्ट यस थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर शोइंग दिस जोश मिलेंगे कल दोबारा कल और लोगों को बताना जरा कि जाके देखो सर वाला क्लास जरा